सब गाइस कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। सो गाइस आज का व्लॉग हॉन्टेड व्लॉग है और जिस चीज के बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले से बोल रखा था ना कि यहाँ पे हॉन्टेड जगह है और काफी ज्यादा हॉन्टेड है, वहाँ पे जा रहे हैं आज हम चाचा राहुल भाई और अजय है। और अभी ना हम थोड़ा सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे गिद्दड़ वगैरह आते हैं, गिद्दड़ है, रोंज भी है जैसे नील गाय बोलते हैं जिसको, इसलिए हम वहाँ से ना अपने शैडो को लेकर चलेंगे। कोई गिद्दड़ वगैरह आ गया तो कोई, हाँ तो सेफ्टी जरूरी है। शैडो हमारा ना काफी ट्रेंड है, ट्रेंड पिटबुल है। ये जो जंगल में जा रहे हैं वो कम से कम 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। काफी ज्यादा रिस्क लेके जा रहे हैं हॉन्टेड व्लॉग शूट करने। तो गाइस चलो चलते हैं, पहले पिटबुल को खोल के लाते हैं। खोले चलो चलो बेटे, आ जाओ बेटे। अच्छा रेडी, ये इसको तो लेके चलेंगे। मैक्स मैक्स को पकड़, रुक जा रुक जा। बस 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 बेटे, चला चला चला। बस बस भाई, बस बस। मैक्स तेरे को नहीं लेके जाएंगे, शैडो को लेके जाएंगे। बस 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 बेटे, बस बस अभी चलते हैं, आगे ला रहे हैं। शैडो आज तेरे को ही सेफ्टी करनी है हमारी। शैडो पूरा तैयार है, रेडी रहता हमेशा, अलर्ट मोड पे पूरा। टेस्ट खतरनाक डॉग है वो भी। शैडो कहाँ जा रहा है? शैडो हमारा अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है। गाइस ये देखो, वीडियो में पता नहीं दूर तक दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, दूर दूर तक जंगल है यहाँ पे। गाइस ये खड्डे देखो, ठंड भी होगी, ठंड भी ज्यादा ही होगी। सो गाइस मैक्स का भी जी नहीं लग रहा था तो मैक्स भी आ गया है। मैक्स दूर से ही भौंक रहा है। मैक्स हूँ मैं, आजा बेटा, हमें आजा, पापा पापा आजा, पापा बेटी आजा। कुत्ते रो रहे हैं यहाँ पे तो। हाँ। सेफ्टी के लिए लोगों ने कुत्ते भी रख रखे हैं इधर, गिद्दड़ कुछ भी आ सकता है, जानवर जंगल में तो भाई होते ही हैं। सो गाइज यहाँ से जंगल स्टार्ट होएगा, यहाँ पे ये लास्ट घर है। लास्ट घर है ना चाचा, ये वाला घर जो दिख रहा है ना ये लास्ट घर है और इसके बाद जंगल ही जंगल है। ये सामने देखो आप, टॉर्च जलाना चाचा। यहाँ पे जैसे जैसे अंदर जाएंगे ना, देखा कि देख दिख रहा है, हैं कैमरा शादी तक दूर है, कैच ना कर पाए, दिख रहा है। रुक जाओ मैं एक्सपोजर ज्यादा करता हूँ। ये देखो गाइज दूर तक जितने पेड़ दिख रहे हैं ना ये सारा जंगल है, नीचे जाके है। चाचा कैसी जगह है? जानता है इधर जानवर कुछ भी मिल सकता है इधर। ये देखो यार इधर इधर देख, सेफ्टी के लिए इसीलिए हम भाई एक बार यहाँ था ना। हाँ। कुछ बंदे ने एक बंदे ने उठा लाया इधर, बोला तेरे मार देंगे, उसका मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे वैसे छीन के भगा दी, फिर वो हमारे पास आया भागा भागा उधर घर पे। भाई भाई ये कर दिया, फिर हम सारे का ढूंढ गए, उन्हें मिला नहीं, चार जने थे सारे भाग गए, पता नहीं कहाँ भाग, कभी लंबा जंगल पता नहीं किधर निकल गए होंगे, इधर को आता ही नहीं जाता कोई ना आता भाई। देखो कहाँ घुसे जा रहे हो चाचा जी आप? अभी तो शुरुआत है, अभी तो खूब अंदर जाना है, अभी शुरुआत है ये। हाँ अभी ऐसे जंगल तो स्टार्ट हुआ है अब। ये तो खतरनाक जंगल है चाचा, इधर है ना लोगों ने भेड़िए देखे। अच्छा उधर मैं टॉर्च देखो तो कुछ लग रहा है मेरे को, क्या है व्हाइट व्हाइट देख लो उधर, एक सेकंड चलो इधर से चलते हैं। वैसे है ना अगर कुछ ज्यादा ऐसी चीज पाए ना, हाँ अपने इन भी दिख जाओगी। हाँ सो गाइज एक चीज और, घोस्ट वगैरह देखने के लिए कई लोग ना घोस्ट डिटेक्टिंग मशीन यूज करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर होता है, मतलब जिसको ना हम फेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिया आया जनरेट करके उसको फेक कर सकता हूँ और उसमें ये दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे भूत है। पर हमारे पास रियल घोस्ट डिटेक्टर है, हमारे दोनों पिटबुल, अगर इनको कुछ दिखता है ना तो ये कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। कहते हैं कुत्तों को सब कुछ दिख जाता है, मैंने देखा था अपने घर पे निक्कू कुत्ती लाइव, मतलब मेरे पास वो थी एल सेशन, मेरे कमरे के बाहर ऐसे खड़ा होकर भुक्कन लगी भाई वो, और ऐसे ऊपर ने मुकर के जैसे कुछ किसी आदमी को भोग रही हो, फिर वो ऐसे ऐसे दुबक जाए, फिर भोग फिर ऐसे दुबक जाए, ऐसा लग रहा था कि वो शायद उसने कुछ दिख रहा है जो हम नहीं देख रहे, वो उसका दिख रहा था। ये फैक्ट है भाई, कसम से कह रहा हूँ, बिल्कुल फैक्ट है। अब मैं बता नहीं सकता कैसे था उसका एक्सपीरियंस, मेरे को बहुत खतरनाक लगा था भाई उस टाइम पे। तो हमनी लेके जब मैं चला ना, वो जिन्ने वो जैसे कोई चीज जिन्ने पे गई ना, वो जिन्ने पे भोगती भोगती चलेगी छत पे चलेगी, फिर इनको दिखाई दे जाता भाई। घोस्ट डिटेक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये डॉग होते हैं ना इनको सब कुछ पता होता है, इनकी आंखों को सब कुछ दिखता है, इसलिए एक तो हम सेफ्टी के लिए भी लाए हैं पिटबुल को और ये डिटेक्ट भी कर लेंगे अगर कुछ दिखेगा तो। मशीन के भरोसे हम नहीं है क्योंकि मशीन को हम फेक भी दिखा सकते हैं, सब कुछ रियल दिखाना चाहते हैं आपको। जंगल की एक चीज और बताऊं, शायद पता नहीं चोर उचक्के कहीं कोई छुप के बैठे हो, कोई क्राइम करके आगे छुप जाए, उसके लिए भी हमारी सेफ्टी है ये, घोस्ट की सेफ्टी नहीं बाकी सब चीजों की सेफ्टी है ये। हाँ। जानवर से चोर चक्कों से। और गाइज मैं बता दूं हम ना काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही कहीं से भी, बस पीछे जो कुत्ते भौंक रहे थे उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है।
यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं गाइस, यहाँ से ना दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो ये और एक वो, दिख नहीं रहा दूसरा, मेरे पीछे रखना टॉर्च। और एक वो है, एक ये है। तो इधर क्या है भाई? भाई इधर भी जंगल का ही रास्ता है, उधर भी जंगल का रास्ता है। ये तो फिर भूलने वाली बात है ना, ये तो। अच्छा तो किस तरफ चले? अपने पीछे भी देखता रही हो। हाँ डाल चुका मैं। हाँ यहाँ पे आगे कुआ है, उस कुएं में कोई है ना कूद के मर गया था, किसी ने सुसाइड किया था, तो उसमें ये बताते हैं कि उस आदमी की आत्मा है ना आज भी वो कुएं में। चाचा क्यों लेके जा रहे हो फिर ऐसी जगह पे? भाई अब तो कही थी मैंने ऐसी जगह ले जा, कहीं पे कुछ दिखा गया, अब वो मैं दिखा रहा हूँ तो तू ये कह रहा है यार सच में डर लग रहा है। कोई नहीं कोई ना कोई ना, देख सामने सामने ऊंचा कुआं, यहाँ से मिट्टी उठी। डर तो हमने भी लग गया है बेटा, डर तो हमने भी लग रहा है बेटा। मैं कुत्ता लेके अकेले क्यों नहीं आया भाई? इसीलिए तो नहीं आया अकेले, कुत्ता ही लेके आया हूं भाई। कोई भी घोस्ट, कोई भी ऐसी चीजें होती है ना, वो ऐसे अटैक नहीं करती जल्दी से। वो भी अटैक जब करती है वो छेड़ता है, उनके रस्ते में कोई आता जब अटैक करती है वो चीजें। अब हम अपने रस्ते जा रहे हैं भाई, देखेंगे जो कुछ होगा। चलो यार हम कुएं में थोड़ी जाएंगे, झाकेंगे नहीं कुएं में, झाकना नहीं है ना, झाकेंगे नहीं। ओए गलती से मत झाक दियो अच्छे, ठीक है छोटू? नहीं नहीं भाई रिस्क क्यों ले, हम बहुत अंदर आ चुके भाई। मैं पहली बार इतनी अंदर स्पोर्ट करने आया हूँ कसम से, और मैं थोड़ा सेफ ना सिर्फ पिटबुल की वजह से सेफ फील कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरे से फील नहीं होता सेफ। यार मेरे को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, ये क्या है? ये क्या चीज है? इतना ये कुआ ऊपर था, ये पीछे मिट्टी हटा दे तब तो आगे आगे बिल्कुल घना जंगल है, बिल्कुल घना जंगल है भाई। आगे वापिस चलते हैं, बता क्या करना है? क्या करना है बता भाई, आगे चलेगा या बेटा देख ले। डर तो भाई बहुत लग रहा है मैंने भी, क्योंकि हम दिन माने की मतलब होती लोगों की, हम रात ना रहे हैं। अंदर क्यों जा रहे हैं? कुछ दिख रहा है ना, ख्याल देख कैसे देख रहे हैं, देख 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 अटैक मोड में, के पास देख रहे हैं, देख के पास कैसे अटैक मोड देख रहे ना, इसका मतलब निकू बेटे इनका कुछ दिखाया यहाँ पे भाई, क्या करे? शायद हमारी लाइट है ना इसलिए कुछ। देख शेडो को देख, वो क्या रहा है? कुछ ना कुछ है बेटा, देख कुएं के पास ही है ना, शायद वो आगे देख रहे जंगल मंदिर। ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, इन्हें कुछ दिखा है वो भाई। ये कुआ ना, मैं तो कुएं के पास ही देख रहे हैं, तेरे को बता रहा था ना, भूत वगैरह नहीं, गिद्दड़ गुद्दड़ लग रहा कोई सच में। कुछ ना कुछ है वहाँ बेटा, बेटे दिखा बेटे, यहाँ पे देख रहे मारते ही मतना पड़ रही बेटा जाने की, तेरी पड़ रही होता बता। गाइस देखो सामने ना ये रास्ता अनलिमिटेड है, यूं समझ लो 10 किलोमीटर कितना भी चले जाओ यहाँ पे, और कसम से डर लग रहा है। फेक यूट्यूबर्स वाली बात करूंगा नहीं मैं कि भाई नकली में भाग के दिखा दिया, अंदर जाके दिखा दिया, भाई सच में डर लग रहा है। शैडो अटैकिंग मोड में वो अंदर जा रहा है, मेरे को जाने यार, देखिए देखिए उधर ही देख रहे हैं बार बार मैं निकू, थोड़ा सा मेरे को ना वैसे ना सच में कुछ सुनाई दे रहा था अभी, भूत की पक्की बात नहीं कर रहा, क्या पता कुछ भी हो, पर ना भेड़िया वेड़िया कुछ भी हो सके, इधर बहुत आया उधर हमारा, अंदर तक आ रखे जंगल के यार। थोड़ा सा ना टॉर्च भी ऐसे रखो भाई, पीछे भी देखता रहे यार, पीछे देखता रहे, आँख चमकती दिखी, थोड़ा दूर जाएंगे जब आगे करेंगे टॉर्च यहाँ नहीं करेंगे फिर हमारे पास। बताऊँ क्या चक्कर, हम किस लिए सेफ हो जा रहे हैं? हाँ। हमारे पास शेडो और अपना मैक्स है। हाँ। और हम भी 5 जने हैं। हाँ। टॉर्च तो दिखा, और टॉर्च है अपने पास, लाइट बहुत है भाई, देखा आगे जाने का तो रिस्क मैं लूंगा नहीं। काफी अंदर तक आ चुके हैं गाइस हम, और जाने को ना कितने भी अंदर जा सकते हैं, कितने किलोमीटर जाए, और वही तो फिर जगह तो दिखा दी कुछ भाई मिल गया मान लो, और कुछ दिक्कत होगी दिन में देखे कल इधर क्या चीज क्या मेरा, जहाँ अंदर तक हमने पता ही नहीं कहाँ तक क्या है, वहाँ अंदर जाने से रिस्क उठाने का फायदा क्या है? अकेले का दिन में भी फायदा नहीं, जाने का दिन में भी ग्रुप और पिटबुल भाई, कुत्ता वो क्या मेरा उन्हें परछाई ने देख कर है, कोई तो है जब तो आया, और भी एकदम को बाज गए, इतनी ऊंची डोरी कूद नहीं सकता ना खुद है, है? तू बोल रहे ना, तू मैंने अभी यहाँ पे एक अंदर से झन झनाट ना शरीर में, बुखार हो गया भाई उस रात, मेरा दिक्कत है पड़ा है फर्क सुन के क्योंकि हम जंग ऐसे आ रहे हैं, चाचा चाचा ये वही रास्ता है ना, ये वही रास्ता कुएं के पास जाता है, एक एक मिनट पकड़ना पकड़ना, कुछ दिख रहा है सामने? नीचे राइट साइड से हल्के से आगे छड़ो छड़ो छड़ो, कुछ है बेटा आगे नर्वस हो गए, फोकस करो आंख में आंसू आया गया, देखो दिखा आंख में आंसू, डर सा रहा है, चलते हैं नहीं भाई आगे नहीं जाऊंगे।
भाई चलो जल्दी जल्दी निकल लो, जल्दी चलो। ऐसा यार कुछ ना, देख ये भाग रहे कुत्ते, देख उस साइड, उस साइड जा नहीं रहे थे ये। रुक जाओ, सांस चढ़ गए इसके भी, सांस चढ़ गए इसके। गाइज मैक्स और शेडो को ना उस साइड लेके जा रहे थे, तो ये पूछ नीचे करके उस साइड मतलब रुक रुक के जा रहे थे, और ये भाग के वापस आए हैं। ये भी देखिए सांस चढ़ चुके हैं पूरे। अब देख पूछ उठ गई, देख अब देखो गाइज पूछ उठ गई, अभी एक्टिव हो गए। पूछ उठ गई, देख उड़े दबा ली थी, आगे ना जाता, देख दैव देख घर जाते वक्त देख कभी पूछ उठा ली। देख चाचा वहां पे ये कुत्ते भी डर के देख लो, उधर से है ना रास्ता, तो गाड़ियों में से, झाड़ियों में से आए थे हम। हां रास्ता बंद, इधर से झाड़ियों में से जाना पड़ेगा। देखो गाइस पूछ इनके, अभी पूरे एक्टिव है, डर गए मतलब है। घर की रोशनी भी तो हो सकती है, घर वगैरह। हाँ, घर कहाँ, घर तो बहुत पीछे, पर हाँ ये बात भी ठीक है, आगे तो घर ही नहीं है 10 किलोमीटर तक। झाड़ियों में किसा घर होगा, झाड़ियों में आग थी वे। लाइट भी सर मेरे को लगा लाइट वाइट जल रही है, कोई फायदा ना भाई इतना रात में रिक्शा उठाने का। निकू एक वीडियो के चक्कर में कभी कोई दिक्कत हो जाए नहीं। वैसे गाइस मैं तुम्हें बताता हूँ, कई सारे यूट्यूबर्स ना फेक वांटेड वीडियोस वगैरह बनाते हैं, भाग के तो हम भी दिखा सकते थे नकली में, झूठ मूठ करके कुछ भी, या फिर एक्टिंग करके, पर भाई सच में लग रहा भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ। हमने सोचा है दिन में आके ना एक बार यहाँ पे इंस्पेक्शन करेंगे कि कुएं से आगे है क्या, ताकि रात में जाने की कीमत बढ़े। अब पूछ तक कैसे उठ गई इसकी कभी, अपने पास लाइट थी बढ़िया बड़ी। हाँ गाइस ये फायदा है, ये लाइट बड़ी लेके आ गए थे। और गाइस यहाँ से ना घर चालू हो गए वापस से। यहाँ के जो लोग हैं ना अपने घरों में ना कुत्ते पालते हैं, ताकि इनको सब कुछ पता चलता रहे, क्योंकि भेड़िए वगैरह भी बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना दो चीजों का डर था, एक तो भेड़िए और दूसरा कोई नेगेटिव एनर्जीज वगैरह। भाई मेरे को अभी दिल बहुत तेज धड़क रहा है भाई, वो चीज देख के ना शायद रात में सपने भी आओगे बुरे बुरे, गायत्री मंत्र जप के सोऊंगा रात में। गाइस ये वाली लाइट परचेज करके लाया था मैं अंदर जाने के लिए, देख लो। सो गाइज अभी ना इनको छोड़ के जा रहे हैं। पिटबुल भाई तेरी वजह से ना सेफ फील कर रहे थे हम, पता तेरे को। देख पिटबुल वो तो एडवेंचर, फार्म पे जाके अभी देखेंगे कमरे कितने सूखे, क्योंकि ठंड लगेगी इनको, क्योंकि अभी तो ताजी ताजी बने हैं ना, तो कल उसमें हीटर लगा के सारे कमरे में सुखाएंगे, सुखाने के बाद उनके गद्दे बिछा देंगे इनके नीचे, ताकि ठंड ना लगे। पहले दिन में रात ना कर, वैसे गलत गए थे ना हम एकदम चले गए, कुछ भी हो सकता था हमारे साथ, कुछ भी हो जाए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम पर चोर उचक के बैठे हो यार, वो करते हो ऐसे क्राइम पेट्रोल वगैरह में कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का बहाना था उनका, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली क्राइम्स होते थे, ड्रग्स वगैरह छिपा के रखी जाती थी। तो यार टाइप के भी तो लोग हो सकते हैं ना, जो वहाँ पे एक्टिविटी बनाते हैं, दिखाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे है, ताकि लोग भाग ना जाए वहाँ पे। इधर देख, इधर देख। फिर भी कुछ मजा जरूर है, अगर है। कुछ भी दे। कौन मारे? बस बस चलो कर। बस से। जो बता दांगे तेरे। ओए। ओ। अपन बाल का निकले क्यों नहीं? कार्ते की पढ़ाई की दिक्कत हो जाएगी। हाँ। उसको भी खर्चा तो। रहा ऑटो देखा, इलेक्ट्रिक आदमी तो है वो। सुनू देख जाओ। छोटू खेलने के मूड। कांग्रेचुलेशन भाई निक्कू, किस तो पार्टी चाहिए? क्या किस बात की पार्टी? 4000 हो गए? हाँ भाई अभी देखा था मैं इधर, अभी देखता हूँ। 4114 गाइस, 4114 सब्सक्राइबर हो गए, थैंक यू सो मच भाइयों का। चाचा 4000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे, कांग्रेचुलेशन ब्रा, कांग्रेचुलेशन। और सभी भाइयों का धन्यवाद जो आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो। सो गाइस घर पे आ चुके हैं हम, जैसे और यूट्यूबर्स करते हैं ना, कुछ भी फेक दिखा देते हैं, भाग के दिखा देते हैं, मतलब हरकतें करते हैं नकली वाली, तो भाई वो करने की तो कोशिश करी नहीं हमने। जैसा जैसा जो जो एक्सपीरियंस किया ना वो तुम्हें बताया। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जहाँ पे कुआ था ना उसके आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था सबका, मतलब अजीब सा ही मूड हो गया था एकदम, जैसे घबराहट सी नहीं हो जाती, झंझनाट होना। हाँ। तो ये हमारे साथ हुआ था वहाँ। और वैसे ना जाने से पहले ना राहुल मनाही कर रहा था कुएं के पास जाने की, पर फिर भी हम चलते चलते चले गए थे। अभी उसके अंदर और आगे रास्ता था, वहां जाने में थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि काफी क्लोज हो गई थी झाड़ियां, और जाने का तो हम कितनी भी आगे जा सकते थे क्योंकि खत्म ही नहीं होता वो, तो इसलिए कोई फायदा नहीं था वहां पे जाने का। और जो पिटबुल थे ना उनकी पूछ भी नीचे हो गई थी, पूछ नीचे का मतलब ये होता है कि घबरा गए थे वो, कुछ चमकता हुआ दिख रहा था, वैसे अंधेरा था जंगल में पूरा। हाँ पूरा हल्की सी उसमें है ना, तुझे ऐसा लगा था कि शायद कोई बैठा है, आंख चस रही थी वहां पे, हमने आंख या फिर कोई लाइट कुछ ना कुछ दिख रही थी। हां जरूर, अब पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुआ या नहीं हुआ, वो तो एडिटिंग के टाइम पता चलेगा, पर बाकी कुछ ना कुछ था भाई। बाकी हमने सोचा है कि दिन में जाके बाइक ले,
सकता है दिन में चलेंगे बाइक लेके। यहाँ पे जाने के बाद ना थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया इस जगह के बारे में। और चाचा के फ्रेंड है जो कि मतलब इन चीजों में ही वो करते हैं कि उनको समझ में आ जाता है, उनको दिख जाता है, दिख जाता है। हाँ, उस वो थोड़ा भगत टाइप में है, जैसे कि किसी के अंदर कुछ इधर उधर की चीज आ जाती है तो देखता भी है, कहीं से कोई मानते हैं कोई नहीं मानता। हम सोच रहे कि उनको भी लाएंगे रात के टाइम यहाँ पे, तो वो आएगा तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मनाएंगे उसको लाने के लिए, तो उससे हमें पूरा खुलासा हो जाएगा भैया एक्चुअली है या नहीं है। अभी गाइस घर जा रहा हूँ मैं, काफी ज्यादा नींद भी आ रही है मुझे, चलते हैं। ठीक है चाचा। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।